दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ भारत की जीत के बाद में रोहित शर्मा को लेकर यहां पर जो गौतम गंभीर हैं उन्होंने काफी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा ने सबसे पहले तो अपने 10,000 रन पूरे कर लिए, उसके लिए मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। मुझे पता है कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है यहां तक पहुंचने के लिए, और मैं यहां पे धोनी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि उन्हीं की वजह से यहां पे रोहित शर्मा को ऊपर आकर खेलने का मौका मिला। गौतम गंभीर ने बताया कि एमएस धोनी की कप्तानी में जब रोहित शर्मा खेलते थे तब एमएस धोनी जानबूझकर बाद में आया करते थे और रोहित शर्मा को पहले खेलने का मौका दिया करते थे ताकि आगे जाकर जब वो भारत के लिए खेले तो एक अच्छे कप्तान बने और एक अच्छे बैट्समैन बने, और उनके लिए ये सीखना भी जरूरी था कि दबाव में किस तरीके से खेलना पड़ता है। गौतम गंभीर ने कहा कि हमारी जो गेंदबाजी थी वो भी काफी शानदार थी। मोहम्मद सिराज, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव सभी ने मिलकर श्रीलंका का जो बैटिंग लाइनअप था उसे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, और रोहित शर्मा को अभी भी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा उन्हें, और थोड़ी सी अटैकिंग अभी भी यहाँ पे उन्हें जारी रखनी पड़ेगी, तभी हम लोग जो है एशिया कप का फाइनल काफी आसानी से जीत पाएंगे। और एमएस धोनी ने ही रोहित शर्मा को शुरुआती दिनों में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तब उन्हें काफी ज्यादा लगातार सपोर्ट किया था, जिस वजह से रोहित शर्मा आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं।